नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराज शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। यहां यमुना और बेतवा नदी में आई बाढ़ से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। हमीरपुर में बेतवा 105.290 और यमुना नदी 105.790 पर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर से बह रही है। हमीरपुर में बाढ़ से अब तक लगभग 80 गांव प्रभावित हो चुके हैं। मुख्यालय की सड़कों पर नाव चल रही हैं, वहीं पुल पर भारी वाहनों के गुजरने पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने यमुना और बेतवा नदी में आई बाढ़ के कारण प्रभावित गांवों का निरीक्षण भी किया और राहत शिविर का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने बचाव कार्यों में लगे कर्मचारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए हर संभव मदद करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत के लिए सामग्री भी वितरित की। हमारे संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि प्रशासन इस मामले पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। इंडिया खबर लाइव के लिए हमीरपुर से सुनील विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और बेतवा लगभग आधा मीटर ऊपर चल रही है और वर्तमान में यमुना में इनफ्लो बना हुआ है। रीजन बिंग की ऊपर के डैम्स के माध्यम से जो पानी आ रहा है वो उसका इनफ्लो बना हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी सुनिश्चित की गई है और बाढ़ शिविर भी प्रारंभ किया जा चुका है डिग्री कॉलेज कुशेचा में वृहत रूप से। और साथ ही साथ जो लोग जिनको विस्थापित करना पड़ा है प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में, जहां पे पानी ऊपर तक आ चुका है, उन लोगों को राहत की सामग्री भी दी जा रही है। देखिए, राहत सामग्री में मुख्यतः 16 आइटम होते हैं, जिसमें एक तिरपाल होता है, पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है और आलू दिया जाता है, ड्राई राशन दिया जाता है, किरोसिन का तेल दिया जाता है, मोमबत्ती दी जाती है, चीनी दिया जाता है और खाद्यान्न सामग्री दी जाती है।